नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरों को फटाफट बताते हैं। सहकारी क्षेत्र की प्रमुख संस्था नेफेड ने पुणे में किसान द्वारा पहला मंडी चालू किया और एक वर्ष में देश में 100 से अधिक मंडी खोलने का लक्ष्य तय किया। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, नए कृषि कानून से बटाईदार को भी कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानूनी प्रावधान से सरकारी सहायता मिल सकेगी। भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन के सफल परीक्षण को मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सेना की सामरिक शक्ति में अचूक इजाफा बताया। आज ही के दिन 1854 में भारत के डाक टिकट की हुई थी आधिकारिक शुरुआत। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपी के बरी होने पर भाजपा के कद्दावर नेता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने फैसले को सत्य और न्याय की ऐतिहासिक जीत बताया। बिहार विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के 8 सीटों के चुनाव में 5 सीटों पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार किया घोषित। पटना शिक्षक क्षेत्र से नवल किशोर यादव, सारण शिक्षक क्षेत्र से चंद्रमा सिंह, मुजफ्फरपुर शिक्षक क्षेत्र से नरेंद्र सिंह, दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से सुरेश राय और कोसी स्नातक क्षेत्र से एनके यादव को उम्मीदवार घोषित किया। राजद नेता की गाड़ी से 74 लाख रुपए और झंडा पकड़ाया। सिनेमा घर और स्विमिंग पूल 15 अक्टूबर से खुलेंगे। सीबीआई की धीमी जांच से दुखी सुशांत सिंह राजपूत के पिता सीएम नीतीश कुमार से मिले। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, राज्य के 3.25 लाख किसानों को फसल सहायता राशि राज्य सरकार जल्द देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर आज मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें स्वस्थ और लंबी आयु रहने की कामना की। राज्य में आज से बालू खनन हुआ चालू। महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के घर मैला अंचल और पहला संस्करण समेत कई यादगार चीजों की चोरी। एनसीबी अधिकारी का बड़ा दावा, शाहरुख खान के घर ड्रग्स लेकर जाते थे अर्जुन रामपाल, हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से पुख्ता सबूत मिले हैं। यूपी में हाथरस जैसी एक और हैवानियत, अब बलरामपुर में दलित छात्रा से गैंगरेप, कमर और पैर तोड़े, पीड़िता की मौत। बिहार से 31 अक्टूबर तक चलेगी 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन, झारखंड बंगाल की 2 ट्रेन चलेगी। आरजेडी के 24 विधायक के टिकट पर लटकी तलवार, कट सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।